बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रहीम किचन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ चिकन कोयला कढ़ाई बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही यूनिक और मज़े की रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। चैनल के ऊपर डिफरेंट कढ़ाइयों की और मीट की रेसिपी हमने शेयर की हुई हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से उनका विज़िट भी करें और हमें कमेंट करके बताएँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। कोयला कढ़ाई बनाने के लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लें। इसके लिए हमने चिकन लिया है, दही, टमाटर छिलका उतार के इस तरह से काट लेना है, सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, अदरक स्लाइस में इस तरह से काट लेना है, कोयला, सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इसके साथ ये कढ़ाई मसाला, साथ ये गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और सफ़ेद नमक। तो ये इसके इंग्रेडिएंट हैं। सबसे पहले बर्तन में घी डालेंगे और इस घी में चिकन डाल देंगे। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें, सब्ज़ मिर्च, अब इसमें टमाटर डाल दें, इसको ढकना देके पका लें ताकि टमाटर अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। अब इसमें पिसे हुए मसाले डाल दें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अब इसमें दही डाल देंगे,
चैनल के ऊपर चिकन की मुख्तलिफ रेसिपियाँ हमने शेयर की हुई हैं, आप लोग प्लेलिस्ट का विज़िट करें और उनको भी ट्राई करें, हमें कमेंट करके बताएं। चिकन के और दही के पानी के अंदर इस तरह इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। अब इसमें अदरक डाल देंगे जो स्लाइस में काटा हुआ था। अब इसमें बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया डालें। और एंड पे अब इसके अंदर कोयला रखना है। इस तरह से कोई स्टील की कटोरी ले लें, उसके अंदर कोयले को दहका के अच्छे तरीके से इसके अंदर रखें और उसके ऊपर घी डाल के इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढांप दें। तो ये हमारी कोयला चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह।